हेलो, वेलकम टू माय सेकेंड वीडियो। सो इस वाले वीडियो का मेन पर्पज़ है कि किस तरीके से कितने टाइप्स होते हैं रिटारगेटिंग कोड्स के। तो सबसे पहले अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको मैसेंजर डालना है या फिर व्हाट्सअप का कोड डालना है, जैसे कि यहाँ पे ऐड करना है मुझे व्हाट्सअप का आइकॉन, तो यहाँ पे हम फेसबुक का मैसेंजर का या फिर व्हाट्सअप के कोड डाल सकते हैं वाटी का। और गूगल का और फेसबुक पिक्सल दोनों अलग अलग आते हैं, तो उसका भी हम कोड डाल सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कोड, तो हम मैं माइक्रोसॉफ्ट का एक डेमो करके दिखाऊँगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का, जो गूगल के वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, यहाँ से यह कोड को कॉपी किया है, यहाँ पे कोड को कॉपी किया है और इस वाली वेबसाइट को मैं क्रॉस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, अभी यहाँ पर लाइव निकल जाएगा अभी। तो मैं देख सकता हूँ कि किस तरीके से लाइव किसी भी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आता है तो वो क्या कर रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो हम देख सकते हैं। उसका रिटेंशन रेट कितना है, वो सारा कुछ हम देख सकते हैं यहाँ पे है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे फ्लेक्सी फनल के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करना है पब्लिश यूआरएल के ऊपर, तब हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे इस वाले पॉपअप के ऊपर क्लिक करना है, बाद में इसको क्लोज करना है, नीचे जाना है, इस वाले इसे यहाँ पे क्लिक करना है और 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट किए। अब मुझे देखना है कि क्या इसमें कोई लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हीट मैप हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग के ऊपर चेक कर सकते हो कि क्या हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पॉपअप के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे मैंने 3 क्लिक किया था, वो सारा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस हिसाब से सेल्स पेज के ऊपर कोई भी कस्टमर आता है या फिर क्लाइंट आता है तो वो क्या कर रहा है, वो उसको डायरेक्टली ट्रैक करने के लिए हम ये रीटारगेटिंग पेज को, रीटारगेटिंग कोड को यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फेसबुक का एक फेसबुक पिक्सल हेल्पर है, जिसकी मदद से किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी कोड लगा हुआ है तो वो डायरेक्टली हम चेकआउट कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम में जा सकते हैं देखने के लिए, यहाँ पर क्रोम कर देंगे, क्रोम एक्सटेंशन, तो ये गूगल के ऊपर एक कोड है, तो हम यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। और वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई भी कोड लगा हुआ है तो डायरेक्टली हम चेकआउट कर सकते हैं कि क्या वो एडवर्टाइज रन कर रहा है कि नहीं। तो ये मैंने ऑलरेडी अटैच किया है, मैंने यहाँ पर अंदर डाला है, यहाँ पे नीचे है। तो इस हिसाब से किसी भी वेबसाइट, गूगल का एनालिटिक्स का कोड भी होता है, उससे भी हम लगते यहाँ पर डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।